हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, आज मैं फिर चिकन रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने, जो कि बहुत मज़ेदार है खाने में। और ये खाली रोटी के साथ खा सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसका नाम है सूखा चिकन। हम ऑलमोस्ट यूपी स्टाइल में बनाएंगे और ये जितना दिखने में स्वादिष्ट दिख रहा है, उतना खाने में और यमी है, टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं, इसको देख के या पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मसाला बना लेंगे घर पे ही। धनिया ले लिया है साबुत, और जीरा ले लिया है, दालचीनी, डगरफूल, इलायची एक, खसखस, काली मिर्च, लवंग, सूखी मिर्ची, जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप डाल दीजिए। और इसको थोड़ा कढ़ाई में सेक लीजिए, क्योंकि हमें इसको पानी वाला नहीं बनाना है मसाला, पाउडर वाला मसाला बनाना है, या हम होममेड मसाले से ही बनाएंगे। बाहर का मसाला हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए, ऑलमोस्ट सेक लिया है मैंने। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। गरम गरम पीसना नहीं है मिक्सी में, ना तो मिक्सी का जार ख़राब हो सकता है। तो देखिए, ठंडा हो गया है। अब मैं इसको फाइन पाउडर बना लेती हूँ। देखिए, एकदम फाइन पाउडर बन चुका है ये, आप देख सकते हैं, एकदम बाहर की जैसा, और एक स्मेल भी बहुत अच्छा आता है इसका। और अभी हम सूखा चिकन के लिए हम लंबे लंबे में पतला पतला प्याज काट लेंगे, जितना आपके घर में क्वांटिटी में बनाना है उतना। तो यहाँ मैं 4 बड़े बड़े प्याज लिया है और इसे मैं बारीक बारीक लंबे लंबे में काट ले रही हूँ फटाफट। काटने के बाद इसको हाथ से तोड़ लेना है, जैसा इसके एक 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 जो प्याज है वो अलग अलग हो जाने चाहिए। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग होगा तो जल्दी भून जाती है कढ़ाई में। तो और जो जिसमें अभी मसाला पीसा है, उसी में हम लहसुन डाल देंगे और पीस के दरदरा रख लेंगे। अभी यहाँ मैंने चिकन ले लिया है 1/2 kg तक। थोड़ा नमक डाल लेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट। इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे 1/2 hr। इसमें और कुछ मसाले नहीं जाएंगे, और इसके हाथ के सहायते से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 1/2 hr तक आपको ढक के रख देना है। तो देखिए, मिक्स कर लिया है और ढक दिया है। अब बनाने के प्रोसेस में जाते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, यहाँ मैंने तेज़पत्ता ले लिया है। तेल गर्म होने के बाद ये डाल देना है। इसको सरसों के तेल में ही बनाना है, सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तेज़पत्ता डाल दिया है, उसमें मिर्ची डाल दी है 2 अक्खे, स्टार फूल डाल दिया है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग, काली मिर्च और जीरा। इसको अच्छे से सब खड़े मसाले को भून लेना है। देखिए, भून लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें चला लेना है प्याज को। इसको अच्छे से चला के हम 5 मिनट ढक देंगे। और देखिए, 5 मिनट हो गया है। इसको अच्छे से मैं फिर से चला लेती हूँ और इसमें हम नमक डाल देंगे। आपको पता है, नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाते हैं। और ये जो लहसुन मैंने दरदरा पीसा था छिलके के साथ, वो मैं डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको मिक्स करके अच्छे से हमें ढक के पकाना है। तो फास्ट गैस पे ही रखना है, स्लो नहीं करना है, क्योंकि कांदा हमें स्लो पे फ्राई नहीं करनी है। तो ये देखिए, मैं 5-5 मिनट में देख रही हूँ, चला रही हूँ बार बार कि ये चिपक नहीं रहा है ना। और थोड़ा तेल थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालना है। तो ये देखिए, अच्छे से थोड़ा गल गया है। अब ये जो मसाले हमने पीसे थे सूखे, वो डाल देना और इसको अच्छे से चला लेना है। इसको अच्छे से चला के इसको ढक देना है कि ये मसाले थोड़ा पक जाए। मसाला तो हमने पका के ही डाला था, लेकिन इसमें भी हमें पकाना है। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने फिर से ओपन करके देखा। देखिए, थोड़ा तेल ऊपर आ गया है और मसाले पक गए हैं। तब हम जो मैरिनेट करके जो हमने चिकन रखा था, वो डाल देंगे इसके अंदर। अरे, बनाने में गाइस बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते। आप देख सकते हैं, होममेड मसाले से ही बनाया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ढक देना है 5-10 मिनट तक। आपको पता है, चिकन थोड़ा पानी छोड़ता है,
तो ये देखिए मैंने चला लिया है, तो देखिए तेल और पानी दोनों ऊपर आए हैं। तो मैंने इसको चला के इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे चिकन पकाने के लिए अच्छे से। अब देखिए मैंने मेरे गार्डन का टमाटर डाला है, बहुत अच्छे छोटे छोटे टमाटर आए थे मैंने वही डाले हैं बारीक बारीक कट कट के, और इसको अच्छे से चला लेना है। चलाने के बाद इसको पकाना है मीडियम आँच पे। इसमें मैंने थोड़ा सा 4-5 चम्मच मैंने पानी यूज़ किया है और इसको ढक के पकाया है मैंने मीडियम आँच पे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा चिकन रेडी हो गया है, सूखा चिकन, और बहुत ही यम्मी लगता है ये नान के साथ, तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कलर मैंने कुछ नहीं डाला है, कलर वही जो मसाले का था वही आया है, और बहुत यम्मी लग रहा है ना। तो आप भी ऐसे ही घर में ट्राई कीजिए सूखा चिकन, ये बहुत तरीके से बनता है, मैंने एक तरीका आपको बताया। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, और इसको हम धनिया से गार्निश कर लेंगे, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।